अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ और ये रेमेडी एज अ स्किन शाइनर के तौर पे यूज़ की जा सकती है। इससे जो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी होती है सर्दियों में, विंटर में ख़ास तौर पे ये होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पैचेस बन जाते हैं फेस पे, हाथों पे, पाँव पे, तो इसको आप आसानी बना के अपने चेहरे, हाथ और पाँव पे अप्लाई कर सकते हैं और इसका रिजल्ट देख के आप खुद दोबारा इसको यूज़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। और ये बहुत आसान सी चीज़ें इसमें ऐड होंगी, आपको बआसानी अपने किचन में ही मिल जाएंगी। और चलें स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी करें। तो इसके लिए हमें एक बाउल ले लेंगे साहब, इसमें हम देसी घी लेंगे थोड़ा सा, एक छोटा चम्मच, ये थोड़ा सा जम गया हुआ है, और इसमें हम थोड़ा कोकोनट ऑयल एक टीस्पून, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये मेल्ट हो गया है। फिर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध। बॉयल दूध हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम कच्चा दूध इस्तेमाल करेंगे। और 3 से 4 चम्मच पेस्ट बनाने के लिए उसी हिसाब से कि जितना आपने अपने फेस पे या हाथों पे जिसके लिए भी आपने अप्लाई करना है उसी की मुनासबत से आपको ये बेसन ऐड करना पड़ेगा। और इसको हम क्रीम फॉर्म में ले आएंगे ताकि इसको हम आसानी से अपने हाथों पर लगा सकें और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप खुद ट्राई करेंगे तो आप खुद दोबारा इसको यूज़ करेंगे और रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी और मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लेते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लें कि इसमें गुठी ना रह जाए किसी बेसन वगैरह की। बेसन तो वैसे भी स्किन वाइट करने के लिए भी यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आपको बआसानी अपने किचन में मिल जाएंगी। बहुत आसान सी है ये स्किन शाइनर, को आप अपने फेस पे, हाथों पे और पाँव पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसको आपने अप्लाई करने के बाद 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। मैं इसको अप्लाई करके बता देती हूँ आपको। ये देखें पूरे हाथों पे आप इसका लेप कर लें। अच्छे से लेप करने के बाद आप इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें। ये देखें हमने अच्छे तरीके से लगा लिया, अब हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद देखें मैं धो आई हूँ इसको, सॉरी आपको दिखाना मुझे याद नहीं रहा, मैं अभी देखें धो के आई हूँ। ये देखें और दोनों हाथों में आप फ़र्क देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इसमें मॉइस्चराइजिंग, नरम से हाथ हो जाते हैं और शाइन भी आ जाती है। इसको आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़र्क आप लोगों के सामने है, लाइव दिखा रही हूँ। और इस रेमेडी को, टिप को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, इतना तो मेरा हक बनता है। और फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।